हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। फर्स्ट चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया आपको विद क्वेश्चन आंसर्स। अब ये हम चैप्टर 5th कर रहे हैं, ये बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस मतलब हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है और किस तरीके से होती है, ये सारा डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं कई पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी चैप्टर को, तो इसका जो अगले पार्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन में चैप्टर में जो लाइफ प्रोसेस है, इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर बताया हुआ है कि हम कैसे किसी चीज़ में डिफरेंस करेंगे कि कोई चीज़ अलाइव है या फिर नहीं है, मतलब जीवित है या फिर नहीं है। अगर कोई डॉग रन कर रहा है, काऊ चीव कर रही है, ठीक है, एक मैन है वो शाउटिंग कर रहा है, तो क्या इन सब चीज़ों से, कुत्ता दौड़ रहा है, गाय जो है चबा रही है मतलब मुंह चला रही है, और मैन जो है वो चिल्ला रहा है गलियों में, तो क्या इन सब चीज़ों से हम ये बता सकते हैं कि वो चीज़ लिविंग है, ठीक है। तो व्हाट इफ़ द डॉग और काऊ एंड मैन वर स्लीप, अगर क्या हो डॉग काऊ और मैन वो सो रहे हो तो फिर क्या होगा, फिर कैसे बताओगे आप। तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ सोचो कि अगर वो सो रहे होंगे तो उस टाइम में क्या कर रहे होंगे, वो ब्रीद कर रहे होंगे, सांस ले रहे होंगे, जिससे हम बता देंगे कि वो क्या है, जीवित है। अच्छा चलो, इनको तो हमने इससे बता दिया कि वो सांस ले रहे हैं तो वो जीवित हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में क्या है, प्लांट्स जो हैं वो अलाइव हैं, ये सबको पता है। अगर मतलब लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि अगर प्लांट अलाइव है मतलब जीवित है, तो उसको क्या बताते हैं कि वो ग्रीन कलर का है, इसका मतलब वो क्या है, जीवित है। बट कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी पत्तियां ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, और भी कलर्स की होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अगर जब तक वो जीवित रहते हैं, अगर उतने टाइम तक वो क्या करते रहते हैं, ऑलमोस्ट जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या हैं, अलाइव हैं, ठीक है। और दूसरे वर्ड में हम ये बोले, हम ये सोच सकते हैं कि मूवमेंट, अगर आप बॉडी में जो है वो मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, अलाइव। अभी मूवमेंट ये थोड़ी कि सिर्फ चल रहे हैं फिर रहे हैं तो वो मूवमेंट हो गई, तो इस मूवमेंट का हमारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट, जैसे हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, जैसे आप सोते रहते हो, आप कह रहे हो कि हमने ब्रीदिंग को देख लिया, ब्रीदिंग को ही नहीं, अगर आप सो रहे हो तो सोते टाइम भी आपके हार्ट काम कर रहा है, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हम अगर सो रहे हैं ना, तब भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर मूवमेंट से हम, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हैं, सभी को अगर हम लिविंग थिंग्स की, अगर आपको बोले कि कोई चीज़ अलाइव है, उसका बेसिक क्रिटेरिया क्या है, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकेंगे कि ये जो मूवमेंट है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, इससे हम पता लगाएंगे कि कोई चीज़ अलाइव है या फिर नहीं है। चाहे ये मूवमेंट बहुत ही मतलब स्मॉल स्केल पर हो, बहुत छोटे स्केल पर हो, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप बहुत सारे मॉलिक्यूलर, जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, तो उनको तो हम देख नहीं सकते ना, पर उनके अंदर भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जीवित है। अब इसी के कारण जो है बच्चों, आपने वायरस सुना होगा कि आपने, चलो मैं वायरस का यहाँ पर बताने के बजाय पहले मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, जो आपको पता होगा कि कोविड टाइम में आपको क्या कहा जाता था, हाथों को अच्छे से धो, अच्छे से धो, कहीं से आओ जाओ हाथों को अच्छे से धो और मुंह को कवर करके रखो। तो इसके लिए क्या होता था, जो हमारा कोविड का वायरस है, वायरस ही, ठीक है, कोविड के ही सिर्फ वायरस नहीं, जो वायरस होते हैं, अभी तक साइंटिस्ट में ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये अभी तक साइंटिस्ट नहीं बता पाए हैं। क्योंकि वायरस अगर टेबल पे पड़ा हुआ है ना, तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला गया, वो तुरंत ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो इसी कारण से अभी वायरस को ये नहीं बताया गया है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। तो आपको हाथ इसीलिए धोने को कहते थे, अगर मान लो आपके हाथ में वायरस आ गया, आपने साबुन से धोया तो अच्छी तरीके से तो वो निकल गया, मुँह को कवर करने को बोला कि मान लो गलती से आपके मुँह या नाक में आपने टच कर लिया और वो वायरस अपने आपके नोज़ और माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर चला गया, तो फिर
तो फिर वो इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा, वो ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि इनविजिबल मूवमेंट, जैसे कि अभी हम बता दें कि बायोलॉजिस्ट जो है वो अभी तक ये फैक्ट नहीं कर पाए हैं कि वायरस के अंदर मॉलिकुलर मूवमेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये सेल के अंदर जाता है तो ये मूवमेंट करता है और ऐसे मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये अभी कॉन्ट्रोवर्सी चली रही है। तो हमने मतलब बेसिक क्राइटेरिया क्या बोला है कि लिव लाइफ के लिए क्या ज़रूरत है मॉलिक्यूलर मूवमेंट की, चाहे वो हमें दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका सबसे बेसिक क्या स्ट्रक्चर होता है, सेल। सेल मिलकर के बनाते हैं टिश्यू, ठीक है, और ये टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गेन। इस तरीके से पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइज्म जो होते हैं वो उनका लिविंग स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि वो एटमॉस्फेयर में जीवित रह पाए। अब उनकी बॉडी को इस तरीके से बनाया ही जाता है। मान लो कोई लिविंग थिंग्स बहुत छोटा है, यूनिसेलुलर है, वन सेल है, तो वो क्या करता है, मान लो ये अमीबा की ही बात कर लेते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट अपना फूड लेता है और डायरेक्ट बाहर निकाल देता है। तो इसको ये अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग है, और हम मल्टीसेलुलर तो हमें तो हर एक पार्ट की जरूरत है। हमें जो है खाना खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है, उसको हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, सांस लेने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसमें ऑक्सीजन ले जाने के लिए हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत है, उसके बाद वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब सभी लाइफ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है सभी जीव जंतुओं की, वो डिपेंड करती है उनके पूरी प्रोसेस पे। अगर यूनिसेलुलर है तो वो उसी के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट में अपनी प्रोसेस करता है, मल्टीसेलुलर है तो उनके पास वेल डेवलप सारी चीज़ें होंगी रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस है क्या। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो भी हमारे पर्टिकुलर जो भी काम होते हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, इवन व्हेन वी आर जस्ट द सिटिंग इन क्लास। आगे देखते हैं, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, this maintenance job has to go on, this process will the together perform this maintenance job, इसका लाइफ प्रोसेस। देखो ये जो मतलब अगर हम खाना खा लिए, खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट, अगर हम सो रहे थे क्या हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, होगा ना। अगर हम सो रहे तो हमारा हार्ट वर्क नहीं करेगा, करेगा ना। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं ना सोते वक्त भी, मतलब हम सो रहे हैं उस टाइम भी हमारी बॉडी की मेंटेनेंस चलती रह रही है, हमारी बॉडी की जरूरतें पूरी हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब बेटा मैं साथ के साथ आपको चैप्टर रीड करा रही हूँ ना आपकी बुक से, तो आप चाहे आपके पास न्यू बुक है या ओल्ड बुक है, मेरी वीडियो सुनने के बाद आप अपनी बुक उठा के जरूर चैप्टर रीड करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि मैं आपको सारे चैप्टर कंटिन्यू करा सकूं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, तो इसके लिए लगे रहो चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। Since this maintenance process are need to the prevent damage and break down energy is need for them. देखो क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, मतलब हमारी बॉडी में जो है अगर सेल बन रही हैं तो वो टूट भी रही हैं, अब वो टूट रही हैं तो उनको बनाने का काम भी तो किसी को करना है ना, तो मतलब इसकी ज़रूरत है हमारी बॉडी में, अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो वहाँ पर कुछ डैमेज भी हो रहा है और उस डैमेज को सुधारने के लिए भी ज़रूरत है, तो उस डैमेज को सुधारने के लिए हमारी बॉडी को बाहर से कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। तो जो बाहर से हमें एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी हम किस रूप में लेते हैं, हम फूड के रूप में लेते हैं, खाने के रूप में लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो इस प्रोसेस को हम सिंपली क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, जिस जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अमीबा यूनिसेलुलर, तो उसको छोटे से न्यूट्रिशन की जरूरत है, और हम मल्टीसेलुलर हैं तो हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कैसी है। तो यहाँ पर देखो, लाइफ ऑफ द अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। बच्चों आपको अगर नहीं पता हो तो ये पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ पे जितनी भी लिविंग थिंग्स है, डॉग, कैट, प्लांट, जो भी है, सभी का बेसिक क्या है, कार्बन। मतलब हर एक चीज के अंदर क्या है, कार्बन। ठीक है,
तो मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड, और जो भी फूड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएशन की ज़रूरत है। अब देखो आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी अलग अलग क्वालिटी की होती है, एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है, और जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके का है, उसको कैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, अपनी बॉडी को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, तो यूनिफॉर्म सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यहाँ से कहा, हाँ, यूनिफॉर्म सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट बॉडी मस्ट बी द फाइनली कैन बी यूज, सॉरी ये यहाँ से लाइन गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं क्लियर दिखाई देता कि यूनिफॉर्म सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीड फॉर द मेंटेनेंस लिविंग स्ट्रक्चर, मतलब जो यूनिफॉर्म सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है हमारे लिविंग थिंग्स के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए, तो उस मॉलिक्यूलर मूवमेंट की मेंटेनेंस के लिए उनको एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, और उसी एनर्जी से वो क्या करते हैं, उनको वो एनर्जी किसके लिए जरूरत होती है, ग्रोथ के लिए जरूरत होती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इन दिस बॉडी आर नेसेसरी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स। देखो जो ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन हमने चैप्टर वन में पढ़ा था, तो ये एक कॉमन रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी में ज़रूरी होती है। क्या होता है, हम खाना खाते हैं, तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस लिखी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। हम खाते तो हमारे क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है, ठीक है। इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन आता है, कहाँ से आता है, रेस्पिरेशन के थ्रू, सांस के थ्रू, और ये ऑक्सीजन इसको तोड़ता है तो यहाँ से जो है ना ऑक्सीजन निकलती है, हाइड्रोजन के साथ मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जितने भी सेलुलर बॉडी है तो उसमें क्या होता है, जो हमने फूड लिया, एक मिनट, जो हमने खाना लिया, हमने फूड लिया, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन उसमें होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो वो उसको तोड़ते हैं, तो उसको तोड़ने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन, जो कि कहाँ से मिलती है, बॉडी के बाहर से। तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है जिस प्रोसेस के थ्रू, और हमारे फूड को ब्रेक डाउन करती है सेल में, उसे हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन, सेकंड हमने खाना लिया, अब ऐसे ही खाना हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब तो हो नहीं जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में डालने के लिए कौन आएगा वहाँ पर, ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन आएगी, और ऑक्सीजन क्या करेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। आगे और भी प्रोसेस है, कैसे चलेगी वो आगे हम बताती हूँ आपको। अब देखो सिंगल सेल जो है उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है फूड और गैस को एक्सचेंज करने का, जैसे कि अमीबा है, ठीक है, ये क्या करता है, यहीं से फूड इंटेक करता है, यहीं से बाहर कर लेता है, यहीं की स्किन से वो रेस्पिरेशन भी कर लेता है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग के स्पेशल ऑर्गन होता है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उनको ह्यूमन बीइंग या मल्टीसेलुलर जो भी बड़े बड़े जीव जंतु है, कि जैसे अमीबा को हमने बोला कि ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में इसकी स्किन होती है और ये यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी एब्जॉर्ब करना होता है, बट हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, हम डायरेक्ट एनवायरमेंट्स के कांटेक्ट में होते हुए भी हमारी स्किन वहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो सिंपल ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एनवायरमेंट से सिंपल जो है गैस अपने अंदर ले लेती हैं या निकाल देती हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो ये डिफ्यूज़न जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, मल्टी सेलुलर में नहीं होता है, ठीक है। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स, मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं और सबके स्पेशल स्पेशल फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उनके पास स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं, ये आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, चैप्टर 6 या 5th, उसमें क्लास 9th में है, तो वहाँ पर टिश्यूज़ और सेल्स के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। तो फूड ऑक्सीजन विल आल्सो बी फंक्शन स्पेशल टिश्यू। अब खाना हमने खाया, ठीक है, समझो इसको, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है इसको मैं समझा रही हूँ। जो हमने खाना खाया वहाँ पर, अब मैंने आपको बताया वो खाना इस तरीके से तो सीधे एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आके उसको फूड को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, तो वो ऑक्सीजन लेके आया, वो रेस्पिरेशन था, खाना अंदर आया वो न्यूट्रिशन था। अब
जब वो टूट गया उसमें एनर्जी निकल गई, अब उस एनर्जी को ये थोड़ी कि वहीं मिल जानी है, उस एनर्जी को पूरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना है। तो उस पूरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाने वाला जो सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम। जो हमारा फूड है, ऑक्सीजन है, उसको पूरे बॉडी तक ले जाने का जो काम करता है वो अगला सिस्टम है ट्रांसपोर्टरी सिस्टम। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकेंड जो हमारा फर्स्ट न्यूट्रिशन था, उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी था, अगला क्या आ गया, चौथा ट्रांसपोर्टरी। इन्हीं को हम चैप्टर में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, जो मैं बता रही हूँ समझते जाओ कि किसका, शॉर्ट में भी काम बता रही हूँ, अभी हम इनको पूरा एक्सप्लेन में भी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है केमिकल रिएक्शन यूज कार्बन सोर्सेज एंड ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेट, मतलब एनर्जी को जनरेट करने के लिए उनको क्या होता है, कार्बन के सोर्सेज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, फिर उनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे, अब जो यूज़ वाले हैं वो तो हमने यूज़ कर लिए, ठीक है। मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में चले गए, लेकिन ये थोड़ी कि सब कुछ अच्छा ही है, कुछ उसमें क्या है, हार्मफुल भी हैं, उसमें कुछ जो है हार्मफुल भी हैं, कुछ वेस्ट भी हैं। तो दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयर फॉर नीड टू बी रिमूव। अब इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत है, बॉडी से डिस्चार्ज करने की ज़रूरत है, आउटसाइड करने की ज़रूरत है। तो इस प्रोसेस को जो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन समझ आ गया, यहाँ पे चार सिस्टम, यही चार सिस्टम हमने पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन, अब हम ये एक्सक्रीशन जो है ये भी अलग अलग होता है, मल्टी सेलुलर में स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं, और यूनिसेलुलर में क्या होता है, वो सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर के होते हैं और उसको जो है आउट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद अगला पार्ट है आपका न्यूट्रिशन, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।